हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास टेंथ का एक छोटा सा चैप्टर प्रोबेबिलिटी को शुरू कर रहे हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोबेबिलिटी का जो मार्क्स वेटेज है वो भी अच्छा है, तो हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप हमारे इस सेशन को कम्प्लीट देखते हैं तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको स्किप करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ये चैप्टर प्रोबेबिलिटी। बात करते हैं अगर प्रोबेबिलिटी की, तो आपने प्रीवियस क्लासेस में प्रोबेबिलिटी के बारे में ज़रूर सुना होगा। अगर आप प्रोबेबिलिटी के बारे में नहीं सुने हैं तो प्रोबेबिलिटी के इर्द गिर्द घूमता हुआ कुछ वर्ड्स जैसे चांस, पॉसिबिलिटी के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। एक्चुअली चांस, पॉसिबिलिटी ही प्रोबेबिलिटी कहलाता है। अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन ये कहता है कि हाउ लाइकली समथिंग इज टू हैपन, किसी बात की संभावना, किसी भी चीज़ को होने की संभावना। तो चलिए हम इन चीज़ों को एक एग्जांपल से लेकर के देखते हैं। मानते हैं कि किसी फील्ड में दो टीम, टीम ए एंड टीम बी प्ले कर रहा है और दो फ्रेंड बैठे हुए हैं, तो वो दोनों फ्रेंड आपस में बात करते हैं कि टीम ए और टीम बी में किसको जीतने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, ज़्यादा चांसेस है। तो दूसरा फ्रेंड कहता है कि 50-50 की चांसेस है। 50-50 की चांसेस कहने का मतलब क्या हुआ? 50% मीन्स होगा 50/100। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसका फाइनल रिजल्ट 1/2 आया। एज इट इज़ 50/100 सॉल्व करने पे 1/2 आया। कहने का मतलब ये हुआ कि टीम ए एंड टीम बी जो दोनों में जीतने की जो पॉसिबिलिटी है, जो चांसेस है, वो आधा आधा का है, हाफ हाफ का है, 1/2 का है। इसका मतलब मुझे क्या समझ में आया? हम ये समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी इज नथिंग। प्रोबेबिलिटी जो है वो एक चांस है, एक पॉसिबिलिटी है किसी इवेंट्स को होने का। अगर हम बात करें कि प्रोबेबिलिटी का एक्चुअल मीनिंग क्या है, तो प्रोबेबिलिटी जो है वो एक मैथमेटिकल टर्म है जो किसी भी इवेंट्स के चांसेस एंड किसी भी इवेंट्स के पॉसिबिलिटी को मेजर करता है। तो प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए और इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मुझे प्रोबेबिलिटी के कुछ टर्म्स हैं उसको समझना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले उन सारे टर्म्स को एक एक करके अच्छे से देखते हैं, जिसमें सबसे पहला टर्म है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट का डेफिनेशन कहता है कि एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके सभी पॉसिबल आउटकम्स पता है। पॉसिबल आउटकम्स बोले तो क्या हुआ, आप अच्छे से समझ लो क्योंकि ये बार बार यूज होगा। पॉसिबल आउटकम्स मीन्स क्या होता है? पॉसिबल आउटकम्स मीन्स फाइनल रिजल्ट। किसी भी इवेंट को अगर करते हैं तो फाइनली मुझे क्या क्या रिजल्ट मिलने वाले हैं, वही हमारे कहलाते हैं पॉसिबल आउटकम्स। तो हम इसको लिख सकते हैं कि पॉसिबल आउटकम्स मीन्स फाइनल रिजल्ट। कभी भी आप ध्यान रखोगे कि फाइनल रिजल्ट जो होंगे वही मेरे पॉसिबल आउटकम्स कहलाएंगे। तो आगे डेफिनेशन को देखते हैं। एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन, ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसमें सभी फाइनल रिजल्ट, पॉसिबल आउटकम्स मुझे पता है, एंड द एग्जैक्ट आउटकम्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। प्रिडिक्टेड मीन्स होता है बच्चों अनुमान लगाना, इसको अच्छे से ध्यान में रखना, कहीं भी आपके इस वर्ड का यूज हो जाता है। तो द एग्जैक्ट आउटकम्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस, आप पहले ही ये नहीं बता सकते कि हाँ यही आने वाला है, लेकिन ये ज़रूर बता सकते कि क्या क्या रिजल्ट आने वाले हैं, लेकिन यही रिजल्ट आने वाले हैं आप ये बिल्कुल नहीं बता सकते। तो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट को हम लोग कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब चलिए हम लोग थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। पहला एग्जांपल है टॉसिंग अ क्वाइन। अगर एक क्वाइन को हम टॉस करते हैं तो टॉस करेंगे तो मुझे पता है या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, इसीलिए मुझे पॉसिबल आउटकम्स तो पता है या तो हेड या तो टेल, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि हेड ही आएगा, ये नहीं पता कि टेल ही आएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि किसी एक क्वाइन को टॉस करना मेरा रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा। ठीक बच्चों उसी तरीके से रोलिंग अ डाई, अगर एक डाई को हम रोल करते हैं तो रोल करने पे मुझे ये तो पता है
कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से ही कोई एक नंबर आने वाला है, लेकिन ये बिल्कुल पता नहीं होता कि हाँ इस बार 2 आएंगे, इस बार 3 आएंगे, इस बार 6 आएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि पॉसिबल आउटकम्स तो पता है, लेकिन एग्जैक्ट क्या वैल्यू आएगा ये हम अनुमान नहीं लगा सकते। तो रोलिंग अ डाई भी मेरा क्या कहलाएगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक उसी तरीके से ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड, यानी कि एक अच्छे से मिलाया हुआ प्लेइंग कार्ड्स में से अगर हम एक कार्ड को निकालते हैं, मुझे ये तो पता है कि प्लेइंग कार्ड्स में 52 कार्ड्स होते हैं, तो उसी 52 में से कोई ना कोई एक बाहर निकल के आएगा, लेकिन कौन से कार्ड बाहर निकल के आएंगे ये मुझे बिल्कुल नहीं पता होता। तो हम लोग कह सकते हैं कि ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम अ वेल शफल्ड कार्ड एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अगला जो टर्म है वो है सैंपल स्पेस। ये सैंपल स्पेस कहता क्या है कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं आपके उसका सेट मीन्स कलेक्शन। जैसे कि मान लो कि आप किसी कॉइन को टॉस करते हो तो या तो हेड आता है एंड टेल आता है, तो हेड एंड टेल के कलेक्शन को हम लोग बोलेंगे सैंपल स्पेस। मान लो कि किसी एक डाई को रोल करते हो तो डाई को रोल करने पे क्या क्या चीज आता है, या तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसी में से कुछ ना कुछ आते हैं, तो 1 से लेकर 6 तक के नंबर्स का कलेक्शन मेरा क्या कहलाएगा, सैंपल स्पेस। और बच्चे थोड़ा याद रखना कि सैंपल स्पेस को हम लोग कभी भी कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एन ऑफ एस, यानी कि सैंपल स्पेस की जो नंबर होंगे वो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कहलाएंगे, एन एस से नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होगा। ये दो चीजें बार बार हम यूज करेंगे, एस को यूज करेंगे आप समझोगे सैंपल स्पेस, एंड एन एस को यूज करेंगे तो आप क्या समझोगे, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो डियर स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं हट जाता हूं फिर आगे की कॉन्सेप्ट को मैं आपको बताता हूं। अब अलग अलग एक्सपेरिमेंट के अलग अलग सैंपल स्पेस होते हैं, और क्या क्या सैंपल स्पेस होते हैं और कितने सैंपल स्पेस होते हैं, इन सब चीजों को हम लोग इन डिटेल्स चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्वाइन का। तो क्वाइन के बारे में आप कुछ चीज जानते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं क्वाइन की, तो क्वाइन के बारे में आपको पता है कि या तो क्वाइन में एक हेड होगा और नहीं तो दूसरी तरफ उसके टेल होंगे। H फॉर हम लोग कहते हैं हेड और T फॉर कहते हैं टेल। ठीक है, अगर हम एक क्वाइन को टॉस करते हैं, यानी कि टॉसिंग अ क्वाइन, तो हमारे सैंपल स्पेस क्या क्या होंगे और कौन से होंगे। तो हम सैंपल स्पेस को आपको बता रखा है बच्चों कि सैंपल स्पेस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एस से, तो जो सैंपल स्पेस या तो हेड होंगे और नहीं तो टेल होंगे। उसी तरीके से जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होगा वो क्या क्या हो कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ जो सैंपल स्पेस होगा वो होगा 1, 2, यानी कि यहाँ पे एक कॉइन को टॉस करने पे कितने सैंपल स्पेस आ गए, 2 आ गए। ठीक उसी तरीके से अगर हम 2 क्वाइन को टॉस करते हैं, टॉसिंग 2 क्वाइंस, तब हमारे सैंपल स्पेस कितने होंगे और कौन कौन से होंगे। तो जो सैंपल स्पेस होंगे तो दोनों हेड होंगे, या एक हेड होंगे दूसरा टेल होगा, या एक टेल होगा दूसरा हेड होगा, या फिर दोनों टेल हो जाएगा। बात समझो, 2 क्वाइन को हमने टॉस किया, ठीक है, तो पहला पे भी हेड दिखा और दूसरे पे भी हेड दिखा। इसका मतलब क्या है कि पहला जो सैंपल स्पेस आ रहा है, जो आउटकम्स आ रहा है, वो हेड हेड आ रहा है। ठीक उसी तरीके से जब दूसरी बार मैंने टॉस किया तो पहले पे हेड दूसरे पे टेल आया, फिर टेल हेड आया, फिर दोनों पे टेल टेल आ गए। कहने का मतलब ये हुआ कि जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हुआ यहाँ 1, 2, 3, 4 यानी कि 4 सैंपल स्पेस हुआ 2 क्वाइन को टॉस करने पे। ठीक उसी तरीके से अगर हम 3 क्वाइंस को टॉस करते हैं, टॉसिंग 3 क्वाइंस,
तब जो हमारे सैम्पल स्पेस होंगे वो कौन कौन से होंगे इस चीज़ को देखो। मैं लिखता हूँ, आप बच्चों अच्छे से देखना और समझना। या तो तीनों पे हेड होगा, अब क्या करते हैं कि आखिरी वाले को टेल में बदल देते हैं, तो हेड हेड टेल आ जाएगा। कहानी यहीं से शुरू होती है, वरना फिर आपको याद करना पड़ जाएगा। अगर याद नहीं करना है तो यहाँ पे ध्यान से समझ लो। अब हमारे पास दो हेड है और एक टेल है। एक टेल को अलग अलग पोजीशन पे अरेंज करने का जो तरीका है वो ये हो सकता है कि अभी आखिरी में टेल है, अब हम इसको बीच में टेल ले आएंगे, तो बीच में जैसे ही टेल आएगा तो हेड टेल हेड हो जाएगा। अब बीच से पहले पोजीशन पे ले आएंगे तो टेल हेड हेड हो जाएगा। अब कोई और पॉसिबिलिटी मेरा नहीं बच रहा है एक टेल को अरेंज करने का। अगर मैं किसी भी तरीके से इस टेल को अरेंज करता हूँ तो फिर इसमें से कोई ना कोई आ जाएगा। तो अब हम करेंगे क्या कि एक हेड को टेल में बदला था, अब दो दो हेड को टेल में बदलेंगे तो हेड टेल टेल हो जाएगा, हेड टेल टेल होगा। इस हेड को जो अरेंज करने का वे है वो क्या हो सकता है कि अभी ये शुरू में है हेड, इसको आप बीच में ले आओ तो फिर क्या हो जाएगा, टेल हेड टेल हो जाएगा। फिर अब इस हेड को आखिरी में ले जाओ तो टेल टेल हेड हो जाएगा। अब क्या है ना कि अब किसी और तरीके से आप उसको अरेंज करोगे तो फिर इसी में से कोई ना कोई आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि दो हेड को हमने टेल बनाया था, अब तीनों के तीनों हेड को टेल बना देते हैं, तो जो फाइनल है वो हमें टेल 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 मिल गया। इट मीन्स कि हमें कितने आउटकम्स आगे, कितने सैम्पल स्पेस हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कहने का मतलब कि जो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस हो गया टोटल 8 हो गया। तो इसी चीज़ को करने का एक और वे है। अगर मान लो कि आपको कह दे कि हमारे पास 4 कॉइन्स हैं तो उसके क्या क्या सैम्पल स्पेस होंगे और कितने सैम्पल स्पेस होंगे तो फिर हम कैसे निकालेंगे, तो उसका एक मेथड है। चलो मैं इस उसी मेथड को इस तीनों पे भी अप्लाई कर करके आपको दिखाता हूँ, फिर आपको जितने भी वो कॉइन्स बोलेंगे आप उसे कर लोगे। तो ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं पहले वाले कॉइन पे। तो एक कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं तो या तो हेड आएगा और नहीं तो टेल आएगा। अगर हम दो कॉइन को टॉस करते हैं, अगर हमारे पास 2 कॉइन्स हैं और हम इसे टॉस करते हैं, तो करना क्या है कि ए हेड टेल एक बार नहीं, अब दो दो बार इसको अप्लाई करना है। अब इस हेड के साथ भी हेड टेल करना है, ठीक है, और इस टेल के साथ भी हेड टेल लगाना है, ठीक है। तो हेड टेल हो गया और फाइनल जो रिजल्ट है वो लिख देंगे हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। तो आपने देख लिया कि अगर जो 2 कॉइन्स को हम टॉस करते हैं तो दो बार हेड टेल लिखते हैं, अगर हम उसी तरीके से 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो कैसे लिखेंगे, उसके लिए इधर हमारे पास बहुत ज़्यादा जगह है, मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है, आप इसको ध्यान से देख लेना। अगर हम 3 कॉइन्स को टॉस करते हैं, ठीक है, तो हमारे कौन कौन से सैम्पल स्पेस और कितने सैम्पल स्पेस होंगे, तो उसके लिए चलो हेड टेल। अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो इसके साथ भी हेड आएंगे और इसके साथ भी टेल आएंगे, फिर हम इसके साथ भी हेड आएंगे और इसके साथ भी टेल आएंगे, यानी हेड टेल इसके साथ भी, हेड टेल इसके साथ भी, ये तो 2 कॉइन का हो गया। उसी तरीके से तीसरा के लिए अगेन हमें हेड टेल को लिखना पड़ेगा, ठीक उसी तरीके से यहां भी हमने हेड टेल लिख दिया। अब फाइनल रिजल्ट आप इसको लिख लो, हेड 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 यहां पे हो जाएगा, हेड 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 यहां पे होगा, हेड हेड टेल इसको हम लिखेंगे हेड हेड टेल, यहां पे लिखा जाएगा हेड टेल हेड, हेड टेल हेड ये हो जाएगा हेड टेल टेल, ठीक उसी तरीके से टेल हेड हेड ये होगा टेल हेड हेड, ये हो जाएगा टेल हेड टेल टेल हेड टेल, और ये हो जाएगा टेल टेल हेड टेल टेल हेड, और ये फाइनली टेल 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 मुझे मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमें 3 से ज़्यादा 4, 5 जितने भी देंगे उतने बार हम हेड टेल को आगे ब्रांच बनाते जाएंगे, फिर हमारे पॉसिबल आउटकम्स जो भी होंगे वो निकल कर आ जाएगा, और कितने सारे निकलेंगे वो फिर आप देख लेना, ठीक है।
अब इसके बाद हम चलते हैं कि अगर इतनी बातें हो गई है तो हमें एक चीज़ ये पता करना होता है कि आखिर कितने नंबर्स और पॉसिबल आउटकम्स के होंगे। तो उसका बच्चों एक फार्मूला है, और वो कौन सा फार्मूला है तो हम यहाँ पे लिखते हैं, आप ध्यान से देखना कि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स का जो फार्मूला होता है वो होता है, अब इसको समझो ऐसे कि अगर एक कॉइन को टॉस करते हैं तो फाइनल रिजल्ट क्या क्या आता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। कितने आउटकम्स निकल करके आए, दो आउटकम्स निकल करके आए। इसीलिए हमारे यहाँ पे जो फॉर्मूला बना वो 2 to the power n बना। अब यहाँ पे n क्या है बच्चों, तो n नंबर ऑफ कॉइन्स है। अगर आप यहाँ पे जितना भी n के जगह पे कॉइन प्लेस करोगे आपको उसका अलग अलग नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकल कर आएगा। मान लेते हैं कि अगर हम वन कॉइन को टॉस करने पे जो हमें नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे, 2 to the power 1, क्योंकि यहाँ पे n का वैल्यू 1 है। 1 कॉइन को टॉस किया तो 2 आया। अगर हमने 2 कॉइन को टॉस कर दिया, तो अगर 2 कॉइन को टॉस किया तो हमें नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना मिलेगा, तो 2 to the power 2। क्यों पावर 2 किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे 2 कॉइन्स है, तो ये हो गया 2 to the power 4। अगर उसी तरीके से हमने 3 कॉइन्स को टॉस कर दिया, तो 3 कॉइन को टॉस करने पे हमें जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस मिलेगा ns, वो कितना होगा, 2 to the power 3, इट मीन्स के 8 आएगा। तो इस तरीके से हमने कॉइन्स के जितने भी थ्योरी थे उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग चलते हैं फाइनल रिजल्ट पे। कुछ फाइनल रिजल्ट है जिसको हम लोग मिल करके करेंगे, तो आपके बोर्ड पे ये रहा रिजल्ट। तो अब यहाँ कुछ फाइनल रिजल्ट्स हैं जिसको हम और आप दोनों लोग मिल करके आगे की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या क्या रिजल्ट आ रहे हैं। मैं इधर कुछ चीज़ें लिख दिया हूँ जो आप पहले से ही जान रहे हो कि अगर एक कॉइन को टॉस करेंगे जो सैंपल स्पेस हेड टेल होगा, अगर दो कॉइन को हम टॉस करते हैं तो जो सैंपल स्पेस है हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल होगा। उसी तरीके से अगर 3 कॉइन्स को अगर हम टॉस करते हैं तो ये सारे के सारे क्या है, हमारे सैंपल स्पेस है। तो ये ऑलरेडी आपको पता है। चलिए, तो यहाँ दो वर्ड्स है, दो वर्ड्स को समझना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में बच्चे आपके साथ ये क्वेश्चन पेपर में दे देता है और आप इस वर्ड से कंफ्यूज हो जाते हो और आपको अच्छे से पता नहीं होता, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस जो भी आए होते हैं वो आप छोड़ करके चले जाते हो या फिर गलत कर देते हो। एक वर्ड है एट लिस्ट और एक वर्ड है एट मोस्ट। एट लिस्ट का हिंदी अगर हम बात करें तो कम से कम, और अगर एटमोस्ट की बातें करें तो अधिक से अधिक। एट लिस्ट की बात करें, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सबसे पहले आपको समझा रहा हूँ एट लिस्ट। अगर मैं कहता हूँ कि एक भिखारी है जो बहुत भूखा है, अब वो मरने वाला है, उसे एट लिस्ट 2 रोटियाँ देना। अगर 2 रोटी नहीं देते हो तो वो क्या होगा, मर जाएगा। और अगर आप 3 रोटी दे देते हो और अच्छी बात है, 4 देते हो और अच्छी बात है, तो कम से कम 2 देना है। अगर 1 रोटी भी दोगे तब भी इतनी शिद्दत से उसको भूख लगी है कि वो मर जाएगा, तो कम से कम 2 रोटियां देना है। तो एटलीस्ट मतलब कम से कम, ज़्यादा हो जाए और अच्छा है, अच्छा महसूस होगा। ठीक उसी तरीके से एट मोस्ट का मतलब हुआ अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा ही उतना। अगर मान लो कि मैं कह दूं कि एक शुगर का पेशेंट है, आप उसको एट मोस्ट अधिक से अधिक 1 प्लेट ही चावल खिलाना, और अगर 1 से ज़्यादा खिला दिए तो उसकी शुगर बढ़ जाएगी, और अगर उसे चावल ही ना खिलाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एट मोस्ट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा उसको उतना ही देना, उससे ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं देना, और नहीं दो तब भी चलेगा। ठीक है, तो हमें समझ में बात आ गई एट लिस्ट क्या होता है एंड एट मोस्ट क्या होता है। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे देखते हैं। एट लिस्ट 1 हेड, सबसे पहले हमारा है कि टॉसिंग 2 कॉइन्स, जब 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे सैंपल स्पेस क्या क्या आने वाले हैं, ये हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल आने वाले हैं। तो कह रहा है एट लिस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड आना चाहिए, और 1 से ज़्यादा आ गया
तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और अच्छी बात है। तो कम से कम एक हेड तो इसमें है ही, इसमें भी कम से कम एक हेड है, कम से कम एक हेड है, यानी कि 1, 2, 3। तो यहाँ जो हमारा आंसर होगा वो 3 होगा। एग्जैक्टली टू हेड्स, एग्जैक्टली टू हेड्स, हेड के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो एग्जैक्टली टू हेड केवल और केवल एक ही सैंपल स्पेस में, एक ही आउटकम्स में हमें दिख रहा है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा 1। ठीक है, उसी तरीके से एट मोस्ट 1 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड हो, और नहीं भी होगा हेड तब भी काम चल जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ एक हेड है, यहाँ भी एक हेड है, यहाँ नहीं है तो हमारी बात बन गई। लेकिन इसमें क्या है ना बच्चों कि इसमें 2 हेड हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड होना चाहिए, तब भी हमारे आंसर कितने हो गए, 1, 2, 3। तो यहाँ पर मेरा आंसर हो जाएगा 3। ठीक उसी तरीके से बच्चों, टॉसिंग 3 कॉइन्स, जब 3 कॉइन्स को हम टॉस करेंगे तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि फाइनल हमें आउटकम्स या सैंपल स्पेस क्या क्या होगा। तो सैंपल स्पेस 3 कॉइन्स को टॉस करने पे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि टोटल के टोटल यहाँ 8 आउटकम्स हैं। ठीक है, 8 आउटकम्स हैं। तो इस 8 आउटकम्स में अब हमें क्वेश्चन कह रहे हैं एग्जैक्टली 2 हेड्स। तो 2 हेड में देख लो, एग्जैक्टली 2 हेड यहाँ है, एग्जैक्टली 2 हेड यहाँ है, यहाँ भी 2 हेड है, यहाँ तो सिंगल हेड है, सिंगल हेड है, सिंगल हेड है, हेड है ही नहीं। ठीक है, तो हमारे आंसर कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड होना चाहिए, कम से कम 2 हेड, ज़्यादा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं, कम से कम 2 हेड, इसमें 2 हेड है, इसमें भी 2 हेड है, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, 2 हेड है, यहाँ भी होगा, 2 हेड है। ठीक है, और यहाँ पे 2 हेड अब मुझे नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, 4 हो जाएगा। एट मोस्ट 2 हेड्स, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड होना चाहिए। तो 2 हेड ज़्यादा से ज़्यादा, अगर नहीं भी हेड होगा तब भी मेरा बात बन जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड होने के लिए देख लेते हैं, इसमें 3 हेड हो गया, बात गड़बड़ हो गई, इसमें 2 हेड है, इसमें 2 हेड है, इसमें 2 हेड है, इसमें 1 है, 2 से कम चलेगा। ठीक है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें है ही नहीं तब भी चलेगा। इट मीन्स के यहाँ पे जो मेरा आंसर होगा वो 7 होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट थे कॉइंस के। अब बात करते हैं डाई की। ठीक है, अब ये डाई होता है क्या है, कहीं कहीं पे डाइस यूज किया हुआ होता है। तो एक्चुअली ये जो डाई है ना, ये डाई सिंगुलर है, तो यहाँ पे डाई मैंने लिख दिया सिंगुलर, और इसकी जो प्लुरल होती है वो होती है डाइस। ठीक है, तो अब आप कंफ्यूज मत करोगे कि डाई क्या होता है और डाइस क्या होता है। सिंगुलर में हम लोग डाई यूज़ करते हैं और प्लुरल वो डाइस होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अगर इस डाई को या डाइस को अगर रोल करते हैं तो हमारे कौन कौन से सैंपल स्पेस होंगे और कितने सैंपल स्पेस होंगे। तो सबसे पहली बात है कि हमें डाई को जानना है कि डाई होता क्या है। तो बच्चों ध्यान दो, डाई जो है वो कुछ इस तरीके का आपको दिखने को मिलता है, जिसपे डॉट होते हैं, या 1, 2, 3। ठीक है, एक बार में 3 ही फेस आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो बाकी जो बचे 3 फेस है वो मैं इधर आपको बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गए 4, 5। ठीक है, और ये हुआ 6। कभी कभी ऐसा नहीं दिख करके आपको दिखना शुरू हो जाएगा, ये जो डाई है ना उस पे डॉट मार्क नहीं दिख करके नंबर लिखा हुआ दिख जाएगा, 1, 2, 3, और जो बाकी बच गए वो इस फेस पे मैं लिख दे रहा हूँ 4, 5, 6। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट डाई है। ठीक है, अब इस डाई को जब हम रोल करते हैं तो कौन कौन से सैंपल स्पेस आएंगे और कितने सैंपल स्पेस आएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रोलिंग अ डाई। ठीक है, एक डाई को जब हम रोल करते हैं तो कौन कौन सा सैंपल स्पेस आएगा। तो जो सैंपल स्पेस होगा या तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसी में से कोई ना कोई आएगा। कभी कभी ये डॉटेड लाइन में होता है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अब इसके जो सैंपल स्पेस है वो सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, तो सैंपल स्पेस इसके हो गए 6। ठीक है, तो सैंपल स्पेस 6 हो गया, क्योंकि इसमें 6 अलग अलग आउटकम्स आ रहा है।
उसी तरीके से अगर हम रोलिंग टू डाइस, ठीक है, अगर हम दो डाइस को रोल करते हैं, ठीक है, तो हमारे सैंपल स्पेस क्या क्या होंगे, तो देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, या तो पहले पे वन आएगा, दूसरे पे भी वन आ जाएगा, पहले पे वन आया, दूसरा पे टू आ गया, पहले पे वन आया, दूसरा पे थ्री आ गया, ठीक उसी तरीके से करते करते, तो दो डाइस को रोल करने पे जो हमारा सैंपल स्पेस आया वो इतना सारा दिख रहा है। तो अगर आप काउंट करोगे तो जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो जाएगा यहाँ पे ns की जो वैल्यू आ जाएगी वो होगी 36, ठीक है। और ये कैसे आता है इसका भी फॉर्मूला है, मैं आपको थोड़ी देर में बता रहा हूँ। तो अगर आप इसको याद करने में तो दिक्कत होती है, ध्यान रखने में भी दिक्कत होगी आपको, अगर आप पैटर्न नहीं देखो तो। इसके कुछ पैटर्न है जो आप अच्छे से देखोगे तो समझ में आ जाएगा, जैसे कि 1 1 1 2 1 3 1 4, सभी में पहले वाले डाइस पे 1 आ रहा है, इसमें सभी में पहले वाले डाइस पे 2 आ रहा है, इसमें सभी में पहले वाले पे 3 आ रहा है, तो ठीक इसी तरीके से एक पैटर्न है, पैटर्न से आप याद कर सकते हो, कहीं पर भी लिख करके समझ सकते हो। तो इसके सैंपल स्पेस के नंबर्स कितने हो गए, 36 हो गए। तो अब हमें फाइनली समझ में आया कि एक डाई को रोल करते हैं तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6 होगा, और कौन कौन सा होगा तो ये आपको सामने दिख रहा है। ठीक उसी तरीके से अगर दो डाइस को हम रोल करते हैं तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने होंगे, 36 होंगे, और वो कौन कौन से होंगे जो आपको सामने में दिख रहा है। तो इसका भी फॉर्मूला होता है बच्चों, आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस किसके लिए, ये आप याद रखना कि डाइस के लिए, ठीक है। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो हो जाएगा उसका जो फॉर्मूला है वो एक डाई को रोल करने में कितने सैंपल स्पेस होते हैं वो 6 होते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे बेस में 6 होगा और 6 to the power n होगा। n के बारे में आपको पता होगा कि n जो है वो नंबर ऑफ डाइस हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर दो डाइस को रोल किया जाए तो हमें क्या क्या फाइनल रिजल्ट्स मिलते हैं और किस टाइप के मिलते हैं। तो हम लोग मिलकर के करते हैं इवन नंबर ऑन बोथ डाइस, दोनों के दोनों डाइस पे इवन नंबर होना चाहिए। तो आप क्या करोगे कि इसमें से काउंट करोगे और देखोगे कौन कौन सा है, दोनों डाइस पे इवन नंबर होना चाहिए। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि इवन नंबर दोनों डाइस पे 1 है तो ये इवन नंबर होगा नहीं, 2 है तो एक मुझे यहाँ पे ये मिल गया, फिर ये मिला, फिर ये मिल गया। देखो दोनों डाइस पे क्या है, इवन नंबर, यहाँ 2 2 है, 4 2 है, 6 2 है, ठीक उसी तरीके से 3 है तो ये तो ऑड नंबर हो गया, ठीक यहाँ 2 4 होगा, 4 4 होगा, फिर 6 4 होगा, एज इट इज 6 6 होंगे, 4 6 होंगे, 2 6 होंगे, तो फाइनली जो मुझे मिला वो 3 3 6 and 3 9। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो कितना होगा, 9। और आप इसको इस तरीके से भी सोच सकते थे कि ऑन बोथ डाइस दोनों पे जब इवन आना है तो पहला पे इवन या तो 2 आएगा, नहीं तो 4 आएगा, और नहीं तो 6 आएगा। फिर इसके साथ जो दूसरे डाइस पे हमारे जो नंबर्स होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं, वो 2 के साथ यहाँ पे 2 होगा, या फिर 4 होगा, या फिर 6 होगा, ठीक उसी तरीके से इसके साथ भी हमारे 3 नंबर्स निकल कर आएंगे, 2 4 6, ठीक इसके साथ भी हमारे 3 नंबर्स निकलेंगे 2 4 6, तो कितने सारे हो गए, तो 1 2 3, यहाँ से हमारा 3 निकल रहा है, फिर यहाँ से भी 3 निकल रहा है, फिर यहाँ से भी 3 निकल रहा है, ठीक है। तो टोटल हमें कितने मिल गए, 9 मिल गए, ठीक है। ठीक उसी तरीके से जो दूसरा है वो ये है कि द सम ऑफ नंबर ऑन टू डाइस टू बी 5, यानी कि जो हमारे दो डाइस होंगे, एक डाइस ये रहा, ठीक है, और दूसरा डाइस ये रहा, और इस दोनों डाइस पे जो नंबर आ रहे होंगे उसका जो सम होगा वो कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो हम ऐसे देख सकते हैं कि अगरचे पहला पे 1 है, दूसरा पे 4 है, तो 1 4 को ऐड करने पे 5 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरा कि पहला 1 4, ठीक है। अब फिर क्या चेक कर सकते हैं कि 2 के साथ अगर हम रखना चाहें तो 2 के साथ यहाँ 3 रख सकते हैं, ठीक है, तब भी 5 मिल जाएगा, तो 2 3, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो 3 के साथ क्या रख सकते हैं, तो 3 के साथ 2 रख सकते हैं, तब भी 5 मिल जाएगा, तो 3 2, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग 4 के साथ क्या रख सकते हैं, 4 के साथ 1 रख सकते हैं, ठीक है, तब भी मेरा 5 मिल जाएगा, 4 1 5। अगर मान लो कि 5 रखते हो तो 5 के साथ आप 0 रखोगे,
तो 5 के साथ 0 तो बिल्कुल नहीं रखा जा सकता, क्योंकि अब जब हम डाई को रोल करते हैं तो 0 आता नहीं है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अब आप कोई भी नंबर रख करके देख लो, वो आपको रिजल्ट नहीं देगा। इट मीन्स कि जो इसके आउटकम्स होंगे वो 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे जो मेरा आंसर होगा वो क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, ठीक इसी तरीके से करके जो आज का लेक्चर है वो यहीं तक है। अब हम आपके साथ अगले लेक्चर में प्लेइंग कार्ड्स को बताएंगे, और प्लेइंग कार्ड्स के बाद कुछ और थ्योरी के पार्ट्स बच जाते हैं, इवेंट्स वाले पार्ट, जो इवेंट्स वाला पार्ट बहुत ही ईजी होता है, और लेकिन उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारे हर एक क्वेश्चंस बन पाएंगे। तो आप इस लेक्चर को कंप्लीट देख लेंगे, और ठीक आप दूसरे लेक्चर का इंतज़ार करें, जस्ट ही दूसरा लेक्चर आपको प्लेइंग कार्ड्स वाले लेक्चर के साथ हम मिलेंगे। और दूसरी बात ये कि बच्चों आप मेहनत करो, ठीक है, अगर मेहनत करते हो तो पढ़ाई बहुत ही आसान होता है, आप किसी भी क्वेश्चंस को तब बना पाते हो जब उसके कॉन्सेप्ट आपको सही से पता होता है। ठीक है, तो आप मेहनत करते जाओ और आप एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स भी लाओगे, और दूसरी बात कि मेरे पसीना को देख करके आप मत घबराओ, ठीक है, आप भी इतना ही मेहनत करो ताकि आपके जो स्कोर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हो जाएं। मैं चाहूँ तो फ़ैन रूम में लगे हुए हैं, मैं फ़ैन चला लूँ और मैं भी गर्मी से बच जाऊँ, लेकिन मैं आपके लिए ही नहीं चला रहा हूँ, क्योंकि फ़ैन जब चलेंगे तो फिर उसके आवाज़ होंगे और आपको वॉइस क्लैरिटी सही नहीं मिल पाएगा, तो आपको सुनने में भी झंझलाहट होगी। ठीक है, तो मैं साइड हो जाता हूं, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।